नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। रोहतास थाना के बंजारी दुर्गा स्थान के पास तेज रफ्तार से स्टार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। पेड़ के पास ही बैठे युवक बाल बाल बचे। टक्कर में चार यात्री घायल हुए, इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घायलों को रोहतास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के बाद घोषित परिणाम में जगजीवन कॉलेज में सभी पदों पर जदयू के प्रत्याशी के जीतने के बाद अन्य संगठनों के छात्रों ने बवाल कर दिया, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरकर चुनाव रद्द कराने की मांग पर अड़ गए। गुस्साए छात्रों ने कई वाहनों के शीशे तोड़े, साथ ही मजिस्ट्रेट से उलझते हुए पथराव शुरू कर दिया। भोजपुर जिला के हसन बाजार ओपी प्रभारी पूर्व जिला पार्षद सह राजद नेता प्रमोद कुमार सिंह के बीच हाथापाई का मामला सामने आया। मिली खबरों के मुताबिक ओपी अंतर्गत सुखरोली गांव से एक किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर अगवा कर लिए जाने के मामले को लेकर किशोरी के पिता जब केस दर्ज कराने पहुंचे तो ओपी प्रभारी ने उनका आवेदन यह कहकर लौटा दिया कि इसमें विरोधाभासी बातें लिखी हुई है। अगवा किशोरी के पिता का आवेदन नहीं स्वीकार किए जाने के बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। सुगोली के छपुवा चौक पर टाटा से बेतिया जा रही एक सवारी बस के खलासी के अज्ञात लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आक्रोशित वाहन चालकों ने सड़क को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को हटाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बेतिया के नौतन में एएसपी शिव कुमार राव के नेतृत्व में शराब कारोबारियों के ऊपर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में तीनों थानों की पुलिस शामिल थी। छापेमारी में बेतिया थाना क्षेत्र डी भरुआ से हिरण की खाल और भगवानपुर से एक बाइक के साथ 180 बोतल गोवा स्पेशल विस्की शराब बरामद की गई। वहीं छापेमारी के दौरान कारोबारी फरार हो गए। जिला मुख्यालय आरा के सदर अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही दिखाई दी है। जानकारी के मुताबिक बेलवनिया गांव के निवासी की बच्ची का अस्पताल में जन्म होने के बाद से बच्ची की तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से उसे विशेष नवजात वार्ड में भर्ती कराया गया और उसी वार्ड के ही बेड पर ओसाई गाँव के निवासी का बच्चा भी भर्ती था और नर्स दोनों बच्चों की पहचान नहीं कर पाई, जिस वजह से बच्चों की अदला बदली हो गई। उसने बीमार बच्ची ओसाई गांव के व्यक्ति को सौंप दी और बच्ची की रास्ते में ही मौत हो गई। उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। वहीं तहकीकात में मामला सामने आया तो सभी गुस्साए लोगों ने अस्पताल का घेराव कर दिया और हंगामे की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दिल्ली में सर्वभाषा साहित्य उत्सव का सफल आयोजन किया गया। भाषा साहित्य कला और संस्कृति पर काम करने वाली संस्था सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा सर्वभाषा साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेहता ओपी मोहन और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्नांशु रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अशोक लव ने की। भारतीय सेना ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। 15 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 17 टन है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जीवन पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ बदसलूकी का लगा आरोप। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने केजरीवाल के इशारे पर चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से बदतमीजी और धक्का मुक्की की। वह इस मामले को लेकर अंशु प्रकाश एलजी से मिले। इस मामले के चलते IAS एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल और 2 विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में CBI ने PNB के 3 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बता दें, इस गिरफ्तारी के साथ ही अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी के मामले में कुछ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी नीरव मोदी के कई और कार्यालयों पर भी छापे मारे हैं। सऊदी अरब दौरे के दौरान भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय संबंध को और बेहतर करना चाहता है और दोनों देश मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। बता दें कि अरुण जेटली ने भारत सऊदी अरब के संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक को संबोधित किया है। वहीं इस बैठक में दोनों देशों ने कई विषयों पर सहमति जताई है। ईस्टर्न घोटा में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में सीरियाई सेना द्वारा की जा रही बमबारी में 100 आम नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 बच्चे भी शामिल है। बता दें कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि विद्रोहियों के कब्जे वाले ईस्टर्न घोटा में सीरिया विद्रोहियों के द्वारा भारी बमबारी के शिकार नागरिक बन रहे हैं और इसे फौरन बंद किया जाना चाहिए।
पाकिस्तानी सीनेट ने एक बड़ा कदम उठाया है। पाक ने चीन की भाषा मंदारिन को अपने देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी है। खबरों के मुताबिक इस भाषा के प्रस्ताव के बाद चीन और पाक के आपसी संबंधों को मजबूत करने और इस्लामाबाद बीजिंग के बीच संबंधों का एक और नया रूप देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के सिंहपुर गांव में घर में रखी अवैध पिस्टल से खेल रहे बच्चे के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर में अवैध पिस्टल रखी गई थी। बच्चे ने खिलौना समझकर पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। आवाज सुनकर परिजन वहां पहुंचे और बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस भी जांच में जुट गई है कि घर में अवैध पिस्टल कहां से आई। टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा ने दिल्ली में एक प्राइवेट सेरेमनी में की शादी। गौरव की शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। शादी में टीवी इंडस्ट्री से भी चंद लोगों को बुलाया गया था। आपको बता दें गौरव की वाइफ का नाम हितिशा है जो ग्लैमर इंडस्ट्री से नहीं है। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन ने पहले वीकेंड पर लगभग 40 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ, लेकिन दूसरे वीकेंड पर यह आंकड़ा बुरी तरह गिर गया। फिल्म अब तक 71 करोड़ 90 लाख रुपए कमा चुकी है। वहीं नीरज पांडे के निर्देशन में बनी फिल्म अय्यारी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले 3 दिनों में लगभग 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। मेरे साथ खबरों फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।